दोस्तों गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम, मैं नीलम राणा, स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नई ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे हमारे पहाड़ के इन हसीन वादियों से। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह की दिख रही हैं हसीन वादी, क्योंकि यहाँ हो रही थी बारिश सुबह तक। अभी तो मौसम ठीक ठाक है और हम आए हैं फिर से खेत में। तो खेत में आके हमारे खेत का बर्बाद कर रखा है। यहाँ पर आए बंदर गोणी, उन्होंने इसको ऐसा बर्बाद कर दिया। देखो, समझ ही में नहीं आ रहा किस तरह से काटे इसको। अच्छा, हमने इतना काट दिया बट इतना बाकी है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसे काटने में। ये देखो, आप खुद ही समझ सकते हैं, जो पहाड़ से होंगे और ये काम करते हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है जब कुछ ऐसा किया रहता है खेतों में बर्बाद। और कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे खेतों में काम करके, क्योंकि लास्ट टाइम तो कुछ ऐसा कर देते हैं गोणी बंदर। और अभी हमने करीबन आधा खेत कर दिया है वहाँ से यहाँ तक। और ये पीछे भाभी जी हैं और अभी हम काट रहे हैं। तो बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं और कितना काटना है हमने। ये खेत काटना है, फिर और कहीं भी जाना है अगर बारिश ना हो तो, क्योंकि आज बारिश का मौसम है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो, ये देखो पूरे आगे पीछे पूरा कोहरा लगा हुआ है। ये देखो, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो आपको ये नीले नीले फूल दिख रहे हैं ना, हम ना बचपन में सोचते थे कि इनसे स्याही निकलती है, मतलब इंक। तो हम इनको ऐसे करते थे ऐसा, और फिर इनसे ये नीला नीला आता था तो हम सोचते थे इससे इंक बनती है। लेकिन होता है ना बचपना हर किसी में। हमारे घर वाले हमें डराने के लिए बोलते थे कि इनको मॉर्निंग में गमला अगवत, मतलब जब घाम आता है तो उस टाइम पे निकालना नहीं चाहिए, इन पे छयो टू रहता है। तो हम डर के मारे इनको मॉर्निंग के टाइम जब धूप आती है तो उस टाइम पर नहीं निकालते थे। और इनको हम शाम बगत इकट्ठे करते थे, जब शाम हो जाती थी तब करते थे, तब तो इतना दिखते भी नहीं थे ये। तो हम इनको डर के मारे इनके करीब भी नहीं जाते थे मॉर्निंग के टाइम, और शाम जब रात होती है उस टाइम पे हम इनके करीब ही नहीं जाते थे, क्योंकि इन पर छली उटू रहता था बस। पूरा कोहरा लगा हुआ है आज बारिश का मौसम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में जब उठी थी तो बारिश ही हो रही थी। और अभी खेत में आए तो अभी मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, अभी उतनी बारिश नहीं हो रही है, मतलब बारिश अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मौसम हो रहा है बारिश का, आप देख सकते हो। पूरा काट लिया था वैसे ही बारिश हो गई थी, फिर उसके बाद हम घर गए और घर पे हमने चाय पानी पी और उसके बाद बारिश भी बंद हो गई थी। उसके बाद आए हम दूसरे खेत में, आप देख सकते हो हमारे गांव के नीचे ये वाला हमारा रोपाई वाला खेत है। तो यहाँ का अनाज अभी कच्चा है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे खेत हैं, तो इन पर हमने मंडुआ लगाया था, तो इनका मंडुआ काटने आ रखे हैं अभी। और ये छोटा सा है, ये एक का काट दिया है और एक नीचे है और एक ऊपर है, फिर उस साइड है जहाँ पर ये मकान दिख रहा है तो इसके नीचे है, फिर वहाँ जाएँगे, फिर जाएंगे हम घर जब इन दो तीन छोटे छोटे खेतों का मंडवा काट देंगे। और आपको मैं कुछ और दिखाऊंगी इंटरेस्टिंग, जिसे देखकर आपको भी मज़ा आएगा। दिखा रही हूँ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग। तो हमारे यहाँ खेत पे देखो एक ककड़ी लगी हुई है, ये देखो पहाड़ी ककड़ी। तो हमने यहाँ पे हमने बोया नहीं था, मतलब ये खुद ही जमा था, इसको बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में झाड़ुआ। तो ये झाड़ुआ लग रहा था, तो इस पर बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हैं, ये देखो यहाँ पर भी है और बहुत सारे ना, एक ये है, एक छोटी है, एक छोटी है, एक छोटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी इतनी ककड़ियाँ लगी हैं और हमने यहीं के पीछे बहुत ककड़ियाँ खा ली। ये देखो यहाँ पे, और ये देखो एक यहाँ, ओ माय गॉड। और यहाँ पे भी हैं, ये देखो एक यहाँ नीचे पे लगी हुई है और एक ये है, ये देखो माय गॉड, बहुत इधर भी है भाई, हाउ इंटरेस्टिंग यार। ये देखो यार, ये भी है यहाँ पे, ये देखो दिख रही है, हाँ दिख रही है, ये है। और यहाँ पे भी है भाई, अरे ये देखो ये भी है, हाँ ये देखो इतनी सारी ककड़ियाँ लगी हैं। बोला था ना मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, तो इतनी ककड़ियाँ लगी हैं हमारी, तो आप तो मौज ही मौज है भाई। खेत में जाएंगे ककड़ी, घर में आएंगे ककड़ी, जहाँ देखो वहाँ ककड़ी ककड़ी, इतनी ज़्यादा ककड़ियाँ लगी हैं। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, ककड़ियों का आनंद लीजिए और हमारे साथ मंडुआ काटिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और फिर और कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊँगी मैं आपको, क्योंकि वैसे तो मेरी हर ब्लॉग इंटरेस्टिंग होती है, तो इसलिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके लिए भी ककड़ियाँ दूँगी मैं, अपना एड्रेस
देना मेरे को। हेलो दोस्तों, तो अभी हम काट रहे हैं घास। आपको पता है मैं ना घास काट रही थी, तो घास काटते काटते मेरा हाथ कट गया, ये देखो। और मेरे हाथ से बहुत खून आ रहा है, कटा तो थोड़ा सा है लेकिन थोड़ा गहरा कट गया है वो, तो उससे बहुत खून आ रहा है, आप देख सकते हो, ये देखो, बहुत दर्द भी हो रहा है। और हम घास काट रहे हैं अभी, हमने यहाँ का गोदा पूरा काट दिया है, अब जाएंगे हम वहाँ वाले खेत में उस वाले। और ये देखो मेरे गांव की हसीन वादियाँ दिख रही हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ और कुछ ऐसे ही हसीन वादियाँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। तो दोस्तों, हम फिर आए हैं दूसरी जगह, दूसरे खेत में। ये देखो, यहाँ भी हम मंडुआ काट नहीं आए हैं, अपने गांव के बगल में आए हैं, हम नदी के इस पार आए हैं। और यहाँ भी हम मंडुआ काटेंगे, ये देखो यहाँ का मंडुआ भी पक चुका है। हमें एक भाभी ने बोला कि तुम्हारा वहाँ का मंडुआ भी पक चुका है, वहाँ से मंडुआ काट के घर लाओ, वरना वहाँ गोणी बांधा रहकर चपट कर देंगे। तो इसलिए हम अभी यहाँ आए, टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के, और हम आए हैं तो यहाँ का मंडुआ काटते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो आपको सीधा शायद मैं घर पे ही मिलूँगी। आज की ब्लॉक में ज़्यादा तक हम मंडुआ ही काट रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ भी हमारे रोपाई वाले खेत हैं, ये हमारे गांव वालों के कुछ उस साइड हमारे हैं, और ये हमारे गांव वालों के हैं, हमारी ताई चाची जी के। और ये हमारे पीछे यहाँ से ये हमारा खेत है, ये वहाँ से मेरी चाची औरों का है। और हम इसका मंडुआ काटते हैं, देखते हैं कितना टाइम होता है। वैसे तो एक सोल्टी और ला रखी है हमने सोचा कि घास ले जाएंगे, अगर टाइम होगा तो घास ले जाएंगे, नहीं तो मंडुआ काटेंगे और घर चले जाएंगे अगर रात होगी तो। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।